कहते हैं इरादे नेक हों और हौसले बुलंद तो एवरेस्ट फतेह करना भी कोई बड़ी बात नहीं। जी हाँ, सीहोर के छोटे से गांव भोजनगर की रहने वाली बेटी ने एक जिद की और पूरे जुनून के साथ उसे पूरा करने की शिद्दत के साथ निकल पड़ी। राह में बहुत कांटे मिले, संघर्ष मिला, पर इस बेटी ने अपना रास्ता तय कर लिया। हर मुसीबत से लड़कर शुरू किया मिशन एवरेस्ट और आज इस बेटी से पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नाम है मेघा परमार। जिद, जज्बा, जुनून की एक कहानी है मेघा परमार की। 24 साल की ये युवती सीहोर जिले के एक ऐसे गांव से आती है जिसकी आबादी ही महज 1500 लोगों की है। बहुत ही साधारण से परिवार में जन्मी मेघा ने एवरेस्ट फतेह करने का सपना देखा है और उसे पूरी करने की भी तैयारी है। लेकिन जब मेघा ने अपने इस फैसले में पिता दामोदर परमार को शामिल किया तो वो चौंक गए, क्योंकि उनकी बेटी का ये सपना उनकी हैसियत से कहीं बड़ा था। माँ ने खूब समझाया कि हमारी हैसियत नहीं, ये बड़े लोगों का सपना है, पर मेघा ने ठान ली कि सपना उसने भी देखा है और वो सपने को हकीकत में बदलेगी। पूछ रही पापा, मैं ये करना चाहूँ, ये करना चाहती हूँ, फिर मैं मना करता रहा। 6 महीने पहले मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तेरी इच्छा है तो कर ले। फिर उसके लिए उसने बहुत तैयारी करी। यहाँ से लाल घाटी तक भी साइकिल से जाती थी, भोपाल सीहोर से जाती थी साइकिल से आती थी। 1 साल तक उसने साइकिल से ट्राई करी। उसके बाद उसके सर थे जो रत्नेश, वो क्या बोलने मेहनती सर, उन्होंने उनकी प्रेरणा दी, ये सब तैयारी करवाई उन पर। और 1 साल तक उसने दौड़ भी लगाई, 10-10 किलोमीटर दौड़ लगाई। उसके बाद उसको उसमें सिलेक्शन हो गया और चलिए। अब वो यही मालिक से यही प्रार्थना है कि वो सक्सेसफुल होके आए। बस ये पहले से हर चीज़ में वो कहती मम्मी ये करूँगी वो करूँगी, मैं बोलती थी कि सपने की दुनिया रहने दे, बड़ों लोग के लिए, अपन तो गाँव के हैं। लेकिन नहीं कि मम्मी जरूर करूंगी। एक बार हमारे भाई फ्लाइट से अमेरिका गए तो उसने बोला मामा आप जैसे अमेरिका गए मैं फ्री में जाऊंगी सरकार द्वारा। तो भैया ने बोला कि तू अनिल अंबानी की जन्म लेती, तू तो गांव के पटेल की लड़की, क्या तू वहां जा सकती है? कि नहीं मामा आप देखना, कभी मैं सपना पूरा करूंगी। तो उसने उसका सपना आज पूरा कर दिखाया। और 1 साल तक अलग अलग सरकारी दफ्तरों में भटकने के बाद भी उसे 1 रुपए की मदद नहीं मिली। जब मेघा के हौसले पस्त पड़ना शुरू हुए ही थे कि उसकी मदद के लिए आई कुछ प्राइवेट कंपनियां और बैंक, जिन्होंने मेघा के सपने को पंख दिए। इसी दौरान एवरेस्ट छू चुके रत्नेश पांडे से मेघा की मुलाकात हुई और उन्होंने मेघा को शारीरिक मानसिक रूप से माउंट एवरेस्ट के सफर के लिए तैयार किया और फिर सहयोग के हाथ बढ़ते गए। और इन हाथों में शामिल है माध्यमिक शिक्षा मंडल के चेयरमैन एसआर मोहंती, जिनसे मेघा ने मुलाकात की और माउंटेनियरिंग करने की इच्छा जाहिर की। पहले तो मोहंती इसे मजाक समझने लगे, लेकिन मेघा की दृढ़ इच्छा ने उनकी सोच को बदला। अभी वो उसने एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया, प्रयास कर रही है। आज वो एवरेस्ट बेस कैंप में है और उम्मीद है कि कल या परसों से वो क्लाइम करना शुरू करेगी, तो 3 या 4 दिन और लगेगा। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे जब वो एवरेस्ट को समिट कर लेंगे। मेघा हमेशा से ही एक्टिव रही, सोशल एक्टिविटी में भी शुरू से ही सक्रिय रही। नेहरू युवा केंद्र सीहोर के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के कई कार्यक्रमों में उसने भाग लिया और रचनात्मक कार्यों में हिस्सेदारी की। नेहरू युवा केंद्र सीहोर के जिला समन्वयक ने कहा, हम गौरवान्वित हैं, हमारे सीहोर की मेघा बड़े मिशन पर है। मेघा परमार जो कि नेहरू युवा केंद्र में वर्ष 2015 और 16 में राष्ट्रीय युवा कोर की स्वयंसेवक रही हैं, उनकी आज उनके बारे में ये समाचार ज्ञात हुआ कि वे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से ये समाचार हम सभी को रोमांचित करने वाला समाचार था और हम सारे लोग बहुत अभिभूत हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बेटी माउंट एवरेस्ट के करीब है, उसका सपना है सीहोर की मिट्टी एवरेस्ट तक पहुंचाना। मेघा को पता था जिस राह पर वो है वहां उसे कमजोर नहीं होना है। आगे बर्फीली पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच हजारों फीट की ऊंचाई तय करनी है। सब कुछ जानते हुए मेघा ने सफर तय किया। फतेह करने गई मेघा परमार, उनके घर पे हम मौजूद हैं जो सीहोर का छोटा सा गांव भोजनगर है, जहाँ 1500-1600 की आबादी का गांव है। ये दामोदर परमार जी की बेटी है और उनकी मम्मी मंजू है, जिनसे हमने अभी बात की। आज मतलब ये है कि ये माता पिता बड़े खुश हैं, इन्होंने
मेघा का सपना था कि मैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा लहराकर वापस आऊं, और आज वो अपने सपने के और अपने मिशन के बहुत करीब है और वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली है। तो को पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटी माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लहराकर सफल होकर घर लौटेगी। मैं सीहोर से संजय त्यागी।